मुदस्सर इकबाल बट होरां दी सेहतयाबी तो बाद दफ्तर वापसी ते उन्हां दे साथियों ने भरपूर इस्तकबाल कीता। दोस्तां ते साथियों दे दिल च प्यार बन के वसण वाले पंजाब दे ए सेवक नूं नवीं हयाती मिलन दी ए खुशी उन्हां नाल मुहब्बत करन वालियां दे चेहरे ते नुमाया नजर आ रही सी। मुदस्सर इकबाल भट्ट होरां नूं दोबारा दफ्तर आउण ते जीआयां नूं कहण लई पंजाबी खोजकार कल्याण सिंह कल्याण, काजी तारक अजीज ते गुलजार मुस्तफाई हुरी उचेचा आए सन। पंजाबी मीडिया ग्रुप दे कारकुनां ने अपने चेयरमैन दी सेहतयाबी ते खुशी दा इजहार करदिआं रब दा लख शुक्र मनाया। मेरी खुशकिस्मत ही है कि मैं मुदस्सर इकबाल भट्ट दे घर जन्म लिया। वो मेरे दोस्त भी ने, वालद भी ने ते बोस भी ने। मैं अपने घर विच मज़ो तो बाद पंजाबी दा ही रुतबा वेख्या है कि मेरे घर विच पंजाबी नूं ही बहुता रुतबा दिता जांदा। मेरी दुआ है मेरे वालद साहब पंजाबियों के सिर पर सलामत रहन और इंज ही हंसते हंसते रहन। बतौर जीए मगर मैं देखा तो भट्ट साहब की वापसी मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि भट्ट साहब दोबारा सेहत याब होकर साड़ी सरप्रस्ती लिए आ गए ने। भट्ट साहब चाहे इस इदारे के चेयरमैन ने लेकिन वो एक सब तो ज़्यादा मेहनत करने वाले कारकुन की हैसियत नाल इस इदारे काम कर रहे हैं। बड़े घट लोग होंगे इस नेचर के कि जेडे अपने वर्करस के नाल और अपने अदारे दे लोगां दे नाल प्यार नाल मुहब्बत नाल शफकत नाल पेश आंदे होन और एक बराबरी दी सतह दे उत्ते गल करदे होन और शुगल मजाक भी करदे होन और प्यार भी करदे होन इस तरह जिवें अपने बच्चों नूं प्यार करदे ने। ते ए जिहड़ा प्यार है ना जी, ये नहीं मैं कितें देखिया पिछले 15-16 साल तो ना। एक चेयरमैन का अपने इंपलॉयज़ दे नाल ये जिहड़ा प्यार है ना, ये नहीं देखिया। इस प्यार नूं बहुत मिस किया जदों वो आरजाई क्लब दे विच मुबतला होए सन ते कुछ दिनों वास्ते होस्पिटलाइज होए सन ते बड़ा ज़्यादा फील किया महसूस किया कि नहीं यार इंज लगता सी जिवें मतलब साडा कोई सरबराह जिहड़ा ना वो साडे विच मौजूद नहीं। और अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दी और उन्होंने इस बड़े मुश्किल मरहले दे विचों बड़ी आसानी दे नाल कढ़िया और वो एक दफ़ा फिर साडे विच मौजूद ने और असी उन्हां दी मौजूदगी दी दुआ करने आ। और ये साडी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हां नूं सेहत तंदुरुस्ती देवे मजीद और वो साडे सिर ते इंज ही उन्हां दा साया जिहड़ा वो मौजूद रहे। अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र है कि उन्होंने मुदस्सर इकबाल भट्ट नूं दोबारा हयाती दित्ती है। वो बड़े बड़े ही मिलनसार, खुदा तरस और एक इस तरह शायद दरख्त नहीं जिस तरह सायदार दरख्त की मानद ने कि बीमार हो ऑपरेशन हो मैं भी गया हॉस्पिटल गया उस दिन बैठ के फिर लोगों मिल रहे हैं लोगों को पूछ रहे हैं कि खाना है। इन्हें दस्तरखान अल्लाह पाक ने वसी रखे है और दिल भी मेरा वसी है लोगों की खिदमत करके लोगों का कम आके खुश होंगे ने। एक जड़ी कमी महसूस हो रही थी उन्होंने बगैर वो पूरी हो गई है दोबारा। अल्लाह का बहुत शुक्र और करम है कि भट्ट साहब नूं असी सेहतयाब देख रहे हैं, हंसते मुस्तकराते देख रहे हैं। भट्ट साहब होरां नाल मेरा तलक बहुत पुराना है। उन्होंने जिंदगी के हर मोड़ से एक बाप की तरह वड्डे भरा की तरह मेरा साथ दिता है। अल्लाह सोने अगे साड़ी दुआ है कि उन्होंने साया साडे सिरां ते हमेशा कायम दायम रहे। इस मौके पर मुदस्सर इकबाल भट्ट होरां अपने साथियों दीआं दुआवां ते उन्हां दीआं मुहब्बतां दा खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ा एहसास है कि मेरे नाल प्यार करने वाले दोस्त मेरे दफ्तर च मौजूद ने। अल्लाह ताला इन्हां नूं कामयाबी ते कामरानी अता फरमाए और मेरे इन्हां दा साथ इस तरह ही भाई दा बाप दा ते बेटे दा रिश्ता हमेशा कायम रहे। इहदे नाल मैं बहुत मशहूर हाँ उन्हां दोस्तों का जिन्हां दोस्तों किसी भी मुल्क च मौजूद होकर मेरे वास्ते दुआवां दा इहतमाम किया। बिलखसूस अमीन मलिक ते रानी मलिक होरां लंदन च बेशुमार लोगों कट्ठिया करके मेरे वास्ते दुआइया तकरीब की। सैयद लख्त हुसैन साहब ने लंदन बह के मेरे वास्ते एक खूबसूरत एहतमाम किया। और कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जितों मेरे दोस्तों ने मेरे वास्ते दुआवां दा तोहफा निकलिया। इहदे अलावा मैं समझना कि मेरे अपने पिंड बहुत ही अच्छी गल और खूबसूरत गल है कि तमाम दोस्तों ने उत्थे मसादे दुआवां दा एहतमाम किया। वजीराबाद तो ताहिर वजीराबादी ने, सौदे तो नजीबुल्ला मलिक साहब ने खसूसी दुआइया तकारीब मेरे वास्ते सलामती सेहत दियाँ दुआवां मंगियां। मैं समझना कि मैं इन्होंने दोस्तों का एहसान किसी शक्ल च नहीं ला सकता।
अल्लाह ताला इन तमाम दोस्तों जिंदगी दे सेहत दे और जिन्हें लोगों मेरे आस्ते दुआ मंगी मेरे आस्ते हाथ चुके उन्होंने हाथ कभी खाली ना हो। मैं एक बार फिर तमाम उन्होंने दोस्तों का मशकूर हाँ जिन्हें मेरे को टैलीफोन राही मैनू मिल के मेरे घर आके मेरे दफ्तर आके मेरी तिमारदारी की या मेरे आस्ते दुआ मंगी। मैं उन्होंने बहुत ही ममनून तो ममनून तो फिर ममनून हाँ कि उन्होंने मेरे आस्ते दुआ की उन्होंने मेरे आस्ते एक कोशिश की कि मैं सेहत याब होके अपनी अमली जिंदगी कदम रख सकूं। मुदस्सर इकबाल बट होरां दियां पंजाबी लई खिदमात मिसाली हैं। मजहब तो बाद पंजाबी उन्हां दा इश्क ते जिंदगी दा सब तो वड्डा सरमाया है। उन्हां दा पंजाबी नाल ताल्लुक इना गूढ़ा है कि जानन वालियां तो मुदस्सर इकबाल दे माणी पुछिए ते ओह मतलब दसदे ने पंजाब ते पंजाबी जबान दा सेवक।